नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। हमारे साथ सैबी मौजूद हैं, जो अभी आपको बहुत ज़बरदस्त ड्राई स्किन के लिए एक हर्बल टोटका जो बिल्कुल आप अपने किचन में तैयार कर सकते हैं वो अभी आपको देने वाली हैं। और यहाँ पे हम मछली के ग्रिल कबाब्स की तरफ आ जाते हैं, जो आपके सामने मैरिनेट के साथ हमने ग्रिडल पैन पे रखे हैं, जिनको हमने थोड़ा सा ग्रिडल पैन को थोड़े से ऑयल के साथ थोड़ा सा लाइटली ग्रीस किया था, और फिर इसके ऊपर हमने ये फिश कबाब रखे थे। और 2 मिनट अप्रॉक्सीमेटली फिर आपने हीट जो है, चाहे आप फ्राइंग पैन में तैयार करें चाहे आप तवे पे, आपने गर्म करने के बाद उसकी फिश कबाब रखने से पहले बिल्कुल लो मीडियम पे आपने चूल्हे की आंच लेके आनी है, ताकि वो अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी अच्छी तरह गोल्डन और क्रस्टी हो जाए और उसका टेक्सचर खूब मजेदार। अरोमा तो बड़ा प्यारा है। अच्छा, पसंद आ रहा, अभी आपको मैं खिलाऊंगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये तैयार हो गए, 1 मिनट और हम इनको देंगे, जितनी देर में सैबी आपको एक जबरदस्त सा मास्क देंगी। हाँ, अच्छा बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि ड्राई स्किन के लिए कुछ ऐसा ऐसी होम रेमेडी दें कि जो इजीली सब खवातीन यूज़ कर सकती हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि सीज़न वाइज आजकल किन्नू बहुत आ रहे हैं, तो या तो आप संतरा भी ले सकती हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल में आप किन्नू के छिलके जो हैं उनको आप अंदर से साफ़ करके और उनको आप ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ड्राई आपको फील होंगे, उनको पहले बारीक बारीक काट लें, बिल्कुल उनकी काशें बने जैसे कहते हैं, बिल्कुल इस तरह बना के उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दें। अगर आप मिल्क डाल देंगे तो उसको ग्राइंड होने में बहुत आसानी होगी, और जब आप निकालें तो उसमें थोड़ी सी बलाई डाल दें, उसके बाद उसका मिक्सचर बनाएं, तो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन टोनर है। अगर आप उसको स्क्रब करेंगे ना, तो डर्टी स्किन जो है, आपके ओपन पोर्स है उसके अंदर से जो डर्ट है वो भी निकल जाएगी। लेकिन मसाज बहुत ही हल्के हाथों से, और ख़ास तौर पर आपके जो सबसे लास्ट वाली फिंगर्स हैं आप, क्योंकि ये जो सबसे जैसे कहते हैं शहादत की उंगली, इस पर प्रेशर पॉइंट ज़्यादा होता है, तो नीचे की ये जो दूसरी वाली सेकंड बीच की और उसके बाद की जो फिंगर होती है रिंग फिंगर, उसके अंदर आप अगर प्रेशर पॉइंट से करेंगे लाइट्स, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि हम लोग स्किन के साथ एक फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, ये बेटर नहीं है। आप अपने चेहरे को उसके बाद अच्छी तरह वॉश आउट करें, और अगर कॉटन बेड है या टिश्यू पेपर है उसके ज़रिए आप अगर नीम गर्म पानी से आप अगर अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, तो उसी कॉटन बेड को अगेन अपनी स्किन के ऊपर मत यूज़ करें, उसे फेंक दें, आप नया टिश्यू पेपर लेके उससे आप स्किन आप साफ कर सकते हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त, नाज़रीन सैबी ने आपको एक ज़बरदस्त मास्क बनाया है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको खूब फ़ायदा होगा और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बट एक और सवाल मैं सैबी से ज़रूर करना चाहूँगी। सैबी, जो ड्यूरिंग हमें ब्रेक में एक ईमेल आई है, और उसमें हमें ये पूछा गया है कि जो ये उनको तो उन्होंने अभी सुना होगा ये मास्क, लेकिन उनका कहना ये है कि ड्राई स्किन के लिए कोई हर्बल मॉइस्चराइज़र है जो आप खुद तैयार कर सकते हैं किचन में? तो अभी ये जो मैंने बताया कि ये तो एक मास्क के तौर पर, नहीं मास्क नहीं लगाया, आप इससे स्क्रब करें, ये मॉइस्चराइज़र बेहतरीन है, और इसकी जो, लेकिन इसको जब धोने के बाद स्किन ज़्यादातर ये होता है कि थोड़ी सी फ्लेकी हो जाती है। ठीक है ना, उस फ्लेकी, इसके अलावा वो चाहती है कि कुछ और कुछ वैसे जिससे मैं वो हाथों में लगा के थोड़ी देर और मुंह पे इंसान लगा दे, स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ तो इतनी ठंड होती है कि इंसान अगर कोई घर की कोई चीज ऐसी हो, जरा सा ऑयली हो जाए आपका स्किन, क्योंकि स्पेशली रिंकल्स तो उसी से आएंगे अगर इतनी ज्यादा ड्राई स्किन होगी तो, उसके लिए अगर कोई खास, और फिर हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलें। ठीक है, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। जिस तरह अभी मुझे आमना ने कहा कि कुछ लोग हैं को वो आदत होती है ना लोशन यूज़ करने की, ये हमारे कॉन्सेप्ट में, और होना भी चाहिए, आपके पास कोई भी बेटर लोशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे होम रेमेडी में लेकर आएँ तो कुछ ऐसी चीज़, लेकिन कभी भी होम रेमेडी की बात होती है वो फ्रेश ही बेटर होती है। आप उसको मेक करके आप बना के रख लें तो वो फिर भी 1-3 डेज, इससे ज़्यादा आप उसे यूज़ नहीं, फिर उसकी मेन जैसे ना मिनरल्स और वो तमाम चीज़ों का वो फ़ायदा कुछ नहीं होता, वो ख़त्म हो जाती है उसकी, कहते हैं ग़ज़ाइयत, जिस तरह खाने की आप 2 दिन बाद खाना भी खाएंगे तो उसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, इसी तरह हमारे पास जो, अगर हम लोग कुछ चीज़ भी फ्रेश बनाएंगे कोई भी चीज़, वो उसका इफ़ेक्ट उतना ही बेटर होता है जो आप फ्रेश खाने का, आप कोई भी चीज़ आप वेजिटेबल देख लें, सब्ज़ियाँ देख लें, कुछ भी इस तरह खाना खाएंगे वो फ्रेश ही बेटर होता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह कहा मैं आपको बता देती हूँ, ग्लिसरीन अगर आप आपके घर में हो, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट होती है, इतना एक्सपेंसिव उसका रेट नहीं होता, अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो ग्लिसरीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर 2 से 3 कतरे अगर आप मजीद, और इसके अलावा अगर ग्लिसरीन के अंदर अगर आपने 2-3 कतरे लेमन डाल दें वो बेटर है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये बेटर नहीं लगता तो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल आपके इनटेक में भी अच्छा है, अगर आप 1 टीस्पून या उससे भी आधी चाय की चम्मच अगर आप इनटेक करें तो आपकी स्किन की डैंड्रफ वैसे भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी,
ऑयलिव ऑयल का कहते हैं, फ्रूट्स में भी आता है, आपने आमना सुना होगा ऑयलिव ऑयल का एक फ्रूट होता है, वो भी लोग खाते हैं। और अगर आप उसका जैतून का, जैतून जिसे अल्लाह कुरान पाक में भी उसका जिक्र है, अगर आप उसका भी इंटेक करें तो आपके अंदर ये भी बेटर होगा। और आपको अगर आप इसके अंदर खाना बनाएं तो हार्ट प्रॉब्लम के, हार्ट पेशेंट के लिए बेटर है। लेकिन ऑयलिव ऑयल को अगर आप अपने पलकों पर अपने पोर्स की मदद से अपनी मसाज करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेटर, दैट्स आपके मॉइस्चराइजर सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। और एक बात ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगी ऑलिव ऑयल के के हवाले से, जब आपने कहा कि उसको आप आंखों के इर्द गिर्द, आंखों के एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा, लेकिन बहुत एहतियात से। और नाजिन हमेशा अपने फोर्थ फिंगर से आप हल्का हल्का, कभी ज़्यादा रब ना कीजिएगा आंखों का एरिया, जैसे कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको बिल्कुल मुझसे ज़्यादा पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुरियाँ सबसे ज़्यादा ऐसी एरिया पे, ये बहुत डेलिकेट एरिया होता है, वहीं पे आती है। ये हमारे ये माउथ के करीब जो होता है इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, आपकी आइज़ के करीब बहुत होता है, आपकी नेक के करीब बहुत होता है, कुछ ऐसी खास जगह हैं जहाँ पर बहुत जल्द जो है वो झुरियाँ के इफेक्ट दूर से। एग्जैक्टली। तो अभी मजीद और बहुत सी बातें करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स और ईमेल्स भी लेंगे, सो डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।